तो देखो, आज हम लोग जो समझने वाले हैं कि एंड्रॉयड सेट के ऊपर, कि हमारे पास जो एंड्रॉयड मोबाइल फोन आते हैं, अगर एंड्रॉयड मोबाइल फोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है तो उसको हम लोग कैसे चेक करते हैं। कल हम लोगों ने जो क्लास में जो समझा था एंड्रॉयड मोबाइल फोन का चार्जिंग का, मैंने फर्स्ट पार्ट समझाया था। क्या समझाया था? फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट किसे कहते हैं? हमारे पास जो भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन के अंदर चार्जिंग के लिए जो नीचे यूआई से लेकर के जो ऊपर तक सप्लाई जाती है, इस चीज को हम लोग फर्स्ट पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसके बाद जो चार्जिंग के मदरबोर्ड से लेकर के मेन बोर्ड से लेकर जो चार्जिंग आईसी तक सप्लाई जाती है, चार्जिंग आईसी से लेकर के आपके मोबाइल फोन में बैटरी कनेक्टर तक सप्लाई जाती है, पावर आईसी तक सप्लाई जाती है, पूरे हैंडसेट में जो सप्लाई फैलती है, वो हमारा सेकेंड सर्किट होता है, सेकेंड पार्ट होता है। तो आज हम लोग सेकेंड पार्ट के बारे में समझने वाले हैं। और वैसे हमारे पास जो भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन में जो चार्जिंग है, जो सर्किट होता है, वो हमको सेकेंड पार्ट को ही रिपेयर करना पड़ता है। फर्स्ट पार्ट में यूआई चेंज हो जाता है या तो सीधे पत्ता चेंज हो जाता है। अगर यूआई पत्ता दोनों नहीं चेंज करना तो उसके सर्किट को नीचे वाले प्लस से लेकर के ऊपर वी बस पॉइंट तक हम लोग जम्पर मार देते हैं, जिससे हमारा 5 वोल्ट सप्लाई ऊपर चढ़ जाती है। जब मदरबोर्ड में 5 वोल्ट सप्लाई आ जाती है तो नीचे का पार्ट ओके हो जाता है। अगर फिर भी चार्जिंग नहीं होती तो हमको ऊपर वाले पार्ट को क्या करना पड़ता है? चेक करना पड़ता है। तो आज हमारा जो चार्जिंग के ऊपर टॉपिक है कि मोबाइल फोन में चार्जिंग नहीं हो रही है, बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, बैटरी स्टोर नहीं हो रही है, बैटरी ऑटोमेटिक चार्जिंग का मैसेज आ रहा है, या मोबाइल फोन में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि सेट को चार्जिंग पर लगा दिया, चार्जिंग तो रहा लेकिन बैटरी भरने का नाम नहीं ले रही है, या ऐसी भी प्रॉब्लम आती है कि मोबाइल फोन को जब स्विच ऑफ में चार्जिंग करते हैं, कब करते हैं? स्विच ऑफ में चार्जिंग करते हैं तो चार्जिंग होता है लेकिन ऑफ में चार्जिंग नहीं होता, या मोबाइल फोन में फास्ट चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है कि चार्जिंग लगा देते हैं लेकिन उसमें स्लो चार्जिंग होती है। क्या होती है? स्लो चार्जिंग होती है। तो हम लोग चार्जिंग का पहले पूरा सर्किट रीड करते हैं और चार्जिंग के सर्किट को कैसे चेक करेंगे उसका तरीका जानेंगे। सबसे पहली बात, चार्जिंग की जो सप्लाई चलती है वो तुम्हारे चार्जिंग के यूआई से चलती है। कहां से चलती है? ये आपके मदरबोर्ड में इस तरीके से आपका यूआई लगा होता है। इसके लिए ये हमारी इसकी यूआई की पिनें होती हैं। इस तरीके से पिनें होती हैं। साइड में मैंने बताया कि साइड में भी ऐसा हमारा पॉइंट होता है। ये हमारा कौन सा होता है? यूआई जैक। इस यूआई जैक में से क्या होता है, एक पॉइंट आपका ये माइनस होता है, ये पॉइंट आपका जो प्लस होता है, ये प्लस सप्लाई आगे जाती है, आगे आपका वी बस का पॉइंट होता है। किसका पॉइंट होता है? ये वी बस के पॉइंट से सप्लाई आपके आगे चलती है। बीच में आपका एक कैपेसिटर लगा होता है। कैपेसिटर से आपके मोबाइल फोन के बाद फिर एक छोटी सी आईसी यूज करी जाती है, जिस आईसी को हम लोग बोलते हैं ओवीपी आईसी। क्या बोलते हैं? ओवीपी आईसी। ओवीपी का पूरा नाम होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ये आईसी क्या काम करती है? अपने अंदर जो करंट होता है उस करंट को लेती है, यहां से करंट होने के बाद ऐसे बाहर आउटपुट करती है। ये एक तरीके का फ्यूजेबल आईसी होती है। कौन सी आईसी बोला जाता है? फ्यूजेबल आईसी होती है। इसका पूरा नाम होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के मतलब हमारे मोबाइल फोन में चार्जिंग की जो सप्लाई आएगी, सबसे पहले कैपेसिटर से होते हुए कहां पर जाती है? ओवीपी आईसी पे जाती है। ओवीपी आईसी से सप्लाई हमारी क्या होती है? फिल्टर होती है। फिल्टर होने के बाद सप्लाई आगे जाती है और ये सप्लाई चली जाती है तुम्हारी चार्जिंग आईसी के अंदर। कहाँ पर चली जाती है? चार्जिंग आईसी के अंदर। आपके मोबाइल फोन में जो चार्जिंग आईसी होती है वो कई अलग अलग तरीके की चार्जिंग आईसी का उपयोग किया जाता है। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ, मैं BQ25601 चार्जिंग आईसी के बारे में बताने वाला हूँ। ऐसे हमारे मोबाइल फोन में PMI आईसी यूज होती है, PMI 632 है, या कुछ ऐसे सेकेंड पावर आईसी होती है, या BQ IC आती है, या जो कीपैड मोबाइल फोन आते हैं तो उसमें 6 पिन 8 पिन की आईसी यूज होती है, लेकिन जो एंड्रॉयड मोबाइल फोन आते हैं उस एंड्रॉयड मोबाइल फोन में से 4 लेग की आईसी यूज होती है BQ25601। BQ25601 खाली BQ नाम से 25601 ही आईसी नहीं आती, इस तरीके से 3-4 आईसी आती है।
इन तीन चार के जो सर्किट होते हैं वो आप सिमेटिक के माध्यम से आप देख भी सकते हैं, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा। अब ये जो BQ25600 एक आईसी आती है चार्जिंग आईसी, इस चार्जिंग आईसी के अंदर इस तरीके से पिने होती हैं, इसमें से चारों तरफ छह छह करके पिने होती हैं, तीन इधर तीन 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 छह पिन इधर हो गई, छह पिन होती हैं। ये तुम्हारी छह पिन की आईसी होती है। आईसी में क्या होता है, एक डॉट लगा होता है, क्या लगा होता है, तो ये सप्लाई जो होती है हमारी पिन नंबर फर्स्ट पे जाती है, अब पिन नंबर 24 पे जाती है, ये पिन नंबर जो डॉट लगा होता है ये पिन नंबर फर्स्ट है। यहां से अगर एंटी क्लॉक काउंट करेंगे, क्या करेंगे, ये वाली पिन तुम्हारी कौन सी बैठेगी, 24 बैठेगी। तो यहां पर सप्लाई जाएगी, इस सप्लाई के पास में यहां पर बहुत सारे दो चार और भी कैपेसिटर लगे होते हैं, यहां से सप्लाई फिल्टर होते हुए यहां पर आती है, यहां पर जो भी करंट आता है ये तुम्हारा 5 वोल्ट करंट होता है। जब चार्जिंग आईसी के अंदर 5 वोल्ट करंट एंटर हो जाएगा तो चार्जिंग आईसी क्या करेगी, अपने पास से आउटपुट निकालेगी, क्या करेगी, आउटपुट निकालेगी। सबसे पहली बात क्या होता है, ये अपने पास से जो आउटपुट सप्लाई निकालती है, इसके पास में कैपेसिटर लगा होता है, कैपेसिटर के बाद फिर आपका एक रजिस्टर यूज होता है 010, जिसको हम लोग फ्यूजेबल रजिस्टर बोलते हैं, फिर सप्लाई आगे जाती है और आपका लगा होता है बैटरी कनेक्टर। इस बैटरी कनेक्टर तुम्हारी इस तरीके से पिनें दी होती हैं, इस बैटरी कनेक्टर में दो पिनें आपकी माइनस होती हैं, इसके बाद दो पिनें आपकी क्या होती हैं, प्लस होती हैं। जो प्लस पे आपकी सप्लाई जाती है कौन सी सप्लाई जाती है, वी बैट सप्लाई होती है, इसको कौन सी सप्लाई बोलते हैं, वी बैट सप्लाई बोलते हैं। और ये आपके मोबाइल फोन में जो लगा है ये क्या है तुम्हारा, बैटरी कनेक्टर। ये वाली जो पिन होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड सप्लाई बोलते हैं। अब देखिए, तो यहां से जो इस सर्किट को हम लोग बोलते हैं इनपुट, ये पिन नंबर 13 14, पिन नंबर 13 14 से यहां से जो सप्लाई निकलती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट सप्लाई, क्या बोलते हैं, आउटपुट सप्लाई। ये आउटपुट सप्लाई जो होती है जो बैटरी को जाकर के चार्ज करती है, तो इस सर्किट को हम लोग क्या बोलेंगे, इनपुट, और ये सर्किट जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट। अब हमारी जो चार्जिंग आईसी होती है यहां पर जो सप्लाई जाती है, अब यहां से ये तो तुम्हारा वीबस का लाइन हो गया, कौन सा लाइन है, और ये वाला लाइन जो तुम्हारा, ये कौन सा लाइन है तुम्हारा, वीबैट का लाइन है। उसके बाद यहां से दो लाइनें और निकल करके आती हैं, सबसे पहली बार सीपीयू पे जाती हैं, सीपीयू के बाद एक रेजिस्टेंस के माध्यम से पावर आईसी पे जाती है। यहां पर 2.2 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा होता है, सीपीयू पे डायरेक्ट जाती है। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं डाटा प्लस, क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं डाटा माइनस, इसमें भी 2.2 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा होता है। इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, डीपी डीएम। अगर तुम्हारी डाटा प्लस डाटा माइनस की लाइनें जो होती हैं, अगर ये लाइनें खराब हो जाती हैं तब भी आपके मोबाइल फोन में क्या दिक्कत आती है, फास्ट चार्जिंग नहीं होता। जब तक ये डाटा प्लस डाटा माइनस की लाइनें पावर आईसी से कनेक्ट नहीं होंगी तो आपका मोबाइल फोन में फास्ट चार्जिंग मोड एक्टिवेट नहीं होगा, फास्ट चार्जिंग नहीं होगा। अच्छा, ये जो यहाँ पर सीपीयू की जाती है, क्योंकि सीपीयू इसलिए जाती है, ये सॉफ्टवेयर के लिए जाती है,
जो सीपीयू पे डायरेक्ट लाइनें जा रही है वो किसके लिए जा रही है, जो पावर आईसीयू पे लाइनें जा रही है वो फास्ट चार्जिंग के लिए जा रही है, किसके लिए जा रही है, फास्ट चार्जिंग। अब दोनों को कॉन्सेप्ट समझिए, वही लाइन है, वही लाइन तुम्हारी पावर पे भी जा रही है, वही लाइन तुम्हारी कब जा रही है, सीपीयू पे जा रही है। तो सीपीयू वाली लाइन कब काम करती है, जब आप मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर डालते हैं, डाटा केबल करते हैं, बूट की का इस्तेमाल करते हैं, तब आपका ये एक्टिवेट होता है। जब आप मोबाइल फोन में खाली सिंपली चार्जिंग लगाते हैं तो उस समय पर जो जाती है वो तुम्हारी किसकी जाती है, पावर आईसी। अगर मान लिया तुम अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन के अंदर, इसका मतलब ये भी बात निकल करके आती है, अगर हम एंड्रॉयड मोबाइल फोन के अंदर नॉर्मल डाटा केबल का इस्तेमाल करते हैं, दो तार वाली डाटा केबल का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे मोबाइल फोन में कभी फास्ट चार्जिंग नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें डीपीडीएम कनेक्ट ही नहीं होता, उसके अंदर दो ही तार हैं, तो डीपीडीएम जब कनेक्ट नहीं होगा तो फास्ट चार्जिंग मोड हमारा एक्टिवेट नहीं होगा। अब ये बात आती है, उसके बाद ये जो तुम्हारी सीपीयू आईसी होती है, सीपीयू आईसी से दो सप्लाई निकल करके जाती है, एक चीज को हम लोग बोलते हैं सीरियल डाटा, इसको बोलते हैं, ये रेजिस्टेंस लगा होता है, यहां से 1.8 वोल्टेज निकल करके आता है, ये पुल अप सप्लाई होती है, कौन सी सप्लाई होती है, और यही पुल अप सप्लाई इसको भी जाती है, 1.8 वोल्ट सप्लाई जाती है, सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक। अच्छा, सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक जो होती है, ये BQIC क्या होती है, सीपीयू से सेंस करती है। ये क्या काम करती है, सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक जो पिन होती है, ये चार्जिंग आईसी के डाटा को रीड करती है। अगर आपके मोबाइल फोन में जब हाई एम्पियर के चार्जर लगाते हैं, तो हाई एम्पियर के चार्जर की सप्लाई जब चार्जिंग आईसी पे जाती है तो यहाँ पर आउटपुट होता है। यदि स्लो चार्जर लगाते हैं तो स्लो चार्जर के हिसाब से चार्जिंग आईसी रीड करती है, फिर अपना डाटा क्लॉक को सीपीयू के साथ में रीड करती है। आपने देखा होगा कई बार मोबाइल फोन में से जब आप चार्जिंग लगाते हैं तो कोई चार्जर जब इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से बोलता है कि ये बैटरी तुम्हारी आधा घंटे में चार्ज हो जाएगी। जब कोई दूसरा चार्जर आप इस्तेमाल करते हैं तो वही मोबाइल फोन बोलता है कि एक घंटे में बैटरी चार्ज होगी। तो ये इस चीज को जो काउंटिंग होती है, ये जो फास्ट चार्जिंग की जो काउंटिंग होती है, जो फास्ट चार्जिंग आपके सामने जो प्रेजेंट करता है, वो सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक की जो लाइनें होती हैं, ये आपके, ये भी आपके मोबाइल फोन में फास्ट चार्जिंग मोड को एक्टिवेट करती हैं, या फास्ट चार्जिंग को आपके सामने क्या काम करती हैं, प्रेजेंट करती हैं। अगर ये लाइनें खराब हो जाएंगी तभी आपके मोबाइल फोन में प्रॉब्लम आएगी कि फास्ट चार्जिंग होना बंद हो जाएगा। अब उसके बाद जब चार्जिंग आईसी अपने पास से एक सप्लाई आउटपुट करती है, जिस सप्लाई को हम लोग बोलते हैं VPH सप्लाई, क्या बोलते हैं, VPH सप्लाई, ये जो VPH सप्लाई होती है 3.7 वोल्ट सप्लाई होती है, जिससे तुम्हारा पूरा मोबाइल फोन चलता है, क्या चलता है, पूरा मोबाइल फोन चलता है। अब इसी पावर आईसी पे तुम्हारी इसमें से एक लाइन होती है, जिस लाइन को हम लोग बोलते हैं आईडी, क्या बोलते हैं, इसके लाइन में कैपेसिटर लगा होता है, इसके लाइन में डायोड लगा होता है, इस तरीके से 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा होता है। फिर उसके बाद इसमें से दूसरी लाइन होती है थर्मिस्टर लाइन, थर्मिस्टर लाइन में भी एक रेजिस्टेंस लगा होता है, एक इसमें पैरेलल में लगा होता है और एक इसमें सीरीज में लगा होता है जो जी। अब देखिए ये जो थर्मिस्टर आईडी की लाइनें होती हैं, ये कहां पर जाती हैं, पावर आईसी पर जाती हैं। कुछ मोबाइल फोन ऐसे भी पाए जाते हैं जिसमें से थर्मिस्टर आईडी की लाइनें तुम्हारी सीपीयू पे भी जाती हैं,
किस पे जाती हैं? अब अच्छा, इस लाइन को कनेक्टिविटी के लिए फिर आपको सिमेटिक से प्रॉपर रीड करना पड़ता है ताकि वो हमारे सामने उस लाइनों को क्या कर देता है, प्रेजेंट कर देता है। तो ये जो मैंने आपको बताया है एंड्रॉयड मोबाइल फोन का चार्जिंग सर्किट है। अगर एंड्रॉयड मोबाइल फोन में चार्जिंग की ऐसी समस्या आएगी तो आपके मोबाइल फोन में से बैटरी चार्ज नहीं होगी। क्या दिक्कत आएगी? बैटरी चार्ज नहीं होगी। अगर बैटरी चार्ज नहीं होगी तो हमको इतने सारे सर्किट को क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा, जिससे आप मोबाइल फोन में चार्जिंग के लाइन को क्या कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे। ये जो मैंने आपको बताया BQ25601 चार्जिंग सर्किट को मैंने आपको समझाया कि BQ25601 चार्जिंग सर्किट को हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो हमारे जो चार्जिंग आईसी होती है, चार्जिंग आईसी को काम करने के लिए सबसे पहली बात क्या चाहिए होता है? इनपुट। क्या चाहिए होता है? इस इनपुट को हम लोग क्या बोलते हैं? वीबस लाइन बोलते हैं। उसके बाद दूसरी बात, ये हमारा आउटपुट निकालता है। क्या निकालता है? आउटपुट को हम लोग क्या बोलते हैं? वीबैट। ये वीबैट सप्लाई होती है, कहां पर जाती है? बैटरी कनेक्टर के लिए जाती है। उसके बाद आपके मोबाइल फोन में एक वीपीएच लाइन निकलती है। वीपीएच लाइन क्या काम करती है? 3.7 वोल्टेज होती है जो पूरे मोबाइल फोन को चलाने का काम करती है। उसके बाद आपका डाटा प्लस डाटा माइनस की लाइनें होती है जो मोबाइल फोन में फास्ट चार्जिंग के लिए काम करती हैं। उसके बाद जो सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक जो होते हैं, ये भी आपको फास्ट चार्जिंग प्लस चार्जिंग को प्रेजेंट करने का काम करती है। कई बार अगर डाटा क्लॉक की लाइनें खराब हो जाती हैं तो आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग होता रहता है लेकिन बैटरी बढ़ने का नाम नहीं लेती। या कई बार ऐसी भी प्रॉब्लम आती है कि चार्जिंग लगाओगे और थोड़ी देर चार्जिंग बताए एकदम से चार्जिंग बंद हो जाए। चार्जिंग होगा, चार्जिंग होने के बाद क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। यह चार्जिंग का सिंबल आएगा, थोड़ी देर चार्ज होगा फिर बंद हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में डाटा क्लॉक की जो सप्लाई होती है वो हमारी खराब हो जाती है या बैटरी चार्ज नहीं हो पाती। उसके बाद यदि आपका तुम्हारा आईडी थर्मिस्टर की लाइन खराब हो जाएगी तो आईडी थर्मिस्टर की लाइन खराब होने से आपके मोबाइल फोन में टेम्परेचर का मैसेज आने लगता है कि जैसे हम फोन को चार्जिंग पे लगाते हैं तो उसमें थर्मामीटर जैसा निशान बन के आने लगता है। या मोबाइल फोन चालू होता है तो चालू में टेम्परेचर जैसा लिख करके बंद हो जाता है। या मोबाइल फोन में से आईडी की लाइन खराब हो जाती है तो चार्जिंग पकड़ेगा छोड़ देगा लेकिन बैटरी को डिटेक्ट नहीं करता। तो इन सारी चीजों की खराबी हो जाती है जिस कारण से मोबाइल फोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है और इस सर्किट को हमको क्या करना होता है? चेक करना होता है। तो इस तरीके से आप BQ25601 जो चार्जिंग सर्किट है उस चार्जिंग सर्किट को चेक करेंगे। अब देखिए, मैं इसी में से जितने भी सारी जो मैंने आपको लाइन मैंने आपको बताई है उसी लाइन को मैं एक बार चेक करने के लिए मैं आपको लिख देता हूँ, पॉइंट्स लिख देता हूँ कि आप इसको कैसे आप स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, चेक करेंगे। अगर आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आया, जैसे एग्जाम्पल सी बात है, ये मेरे पास मोबाइल फोन आया, इस मोबाइल फोन में चार्जिंग नहीं हो रहा है, इस मोबाइल फोन में बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, तो बैटरी चार्ज न होने पर सबसे पहला काम, सबसे पहली फर्स्ट लाइन आप वीबस लाइन को चेक करें। किसको चेक करें? वीबस जो होती है हमारी 5 वोल्ट की लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है? अब वीबस लाइन को चेक करने का मतलब होता है आपको कुल मिला करके फोन को चार्जिंग पे लगा करके ये देखें कि वीबस तक 5 वोल्ट करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब 5 वोल्ट करंट इस पर आ जाएगा तो 5 वोल्ट करंट इस पर आने के बाद फिर यहां से ये ओवीपी आईसी क्या करेगी? करंट को आउटपुट करेगी। क्या करेगी? करंट को आउटपुट करेगी। कितना वोल्टेज करंट आउटपुट करेगा? 5 वोल्ट करंट। ओबीपी का काम होता है 5 वोल्ट लेना, 5 वोल्ट बाहर निकालना। अगर कल को तुम्हारी ओबीपी आईसी खराब हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, ओबीपी आईसी को उतार के फेंक दीजिए, यहां से उठा करके यहाँ पर ऐसे जम्पर मार दीजिए, जिससे क्या होगा 5 वोल्ट सप्लाई हमारे आगे पास हो जाएगी। ये 5 वोल्ट सप्लाई आगे फिर हमारे पिन नंबर 1 और 24 पर पहुंचती है, ये तुम्हारी बीक्यू चार्जिंग आईसी होती है। तो आपको क्या करना है? चार्जर लगा करके चार्जिंग आईसी के पिन नंबर 1 पर देखना है कि 5 वोल्ट करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 5 वोल्ट करंट आ रहा है तो इसका मतलब पिछले का जो ओवीपी सर्किट हमारा सारा सब कुछ ओके है। उसके बाद जब 5 वोल्ट करंट इसके अंदर आ जाएगा तो फिर क्या होगा, ये आईसी क्या करेगी? अपने पास से आउटपुट निकालती है। क्या करती है? आउटपुट निकालती है। आउटपुट निकालने के बाद आपको वीबैट की लाइन में चेक करना है कि वीबैट की लाइन में चेक करने पर कितना वोल्टेज होना चाहिए? 4 वोल्ट। ऐसे वोल्टेज क्या निकलेगी? आउटपुट निकालेगी। तो आप इस आउटपुट सर्किट को क्या करेंगे? चेक करेंगे। उसके बाद आप वीपीएच में चेक करेंगे तो वीपीएच में भी चेक करने पर कितना वोल्टेज मिलेगा? 3.7 वोल्टेज मिलेगा। उसके बाद अगर फिर भी आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम है, फिर भी चार्जिंग नहीं हो रही है, तो आप मोबाइल फोन में आईडी थर्मिस्टर की लाइन को चेक करेंगे। आईडी थर्मिस्टर की लाइन में अगर चार्जिंग लगाकर चेक करते हैं तो यहाँ पर समथिंग 1.8 वोल्टेज करंट मिलता है। या उसके सर्किट को हम लोग को क्या करना पड़ता है? चेक करना पड़ता है। उसके बाद आप डाटा क्लॉक जो लाइनें होती हैं, डाटा क्लॉक लाइन को हम लोग चेक करते हैं। डाटा क्लॉक लाइन में सीपीयू से सप्लाई निकलती है, सीधे रेजिस्टेंस लगे होते हैं, वो भी नॉर्मल फ्यूजेबल रेजिस्टेंस होते हैं, उनको हम लोग चेक करते हैं। अगर वो कई बार रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाते हैं जिससे डाटा क्लॉक का कनेक्शन सीपीयू से कनेक्शन चार्जिंग आईसी से डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसको भी हम लोग चेक करते हैं। ऐसा तब भी होता है जब मोबाइल फोन में पानी चला जाता है।
क्या चला जाता है, पानी चला जाता है, तभी डाटा क्लॉक की लाइन में अगर पानी चला जाएगा तो चार्जिंग पकड़ेगा, छोड़ेगा, चार्जिंग का सिंबल बताएगा, बंद हो जाएगा, ऐसी भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम लोग इसको चेक करते हैं, डाटा प्लस डाटा माइनस लाइनों को चेक करते हैं। इस तरीके से आप मोबाइल फोन में पूरे चार्जिंग सर्किट को चेक कर देते हैं। जब सारा सर्किट ओके मिलता है तो फिर आपको BQ25600 को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। जब सारा सर्किट सही है उसके बावजूद भी मोबाइल फोन में चार्जिंग नहीं हो रही तो चार्जिंग आईसी को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। डाटा क्लॉक लाइन में कोई वोल्टेज नहीं आता, अगर आप चेक करेंगे तो 0.8 से लेकर के 1.5 इस तरीके से वोल्टेज आपको मिलते हैं, क्योंकि सीपीयू अपने अंदर से इसको सिग्नल कमांड देता है। उसके बाद जब आप वीबस लाइन को चेक करेंगे, वीबेट लाइन को चेक करेंगे, तो वीबेट लाइन को चेक करने पर यहां पर आपको 4 वोल्ट करंट, वीबेट लाइन चेक करने के बाद आपको मोबाइल फोन में से वीपीएच लाइन को चेक करना है, वीपीएच लाइन चेक करने के बाद आपको मोबाइल फोन के अंदर सीरियल डाटा, सीरियल क्लॉक, आईडी, थर्मिस्टर लाइन को चेक करेंगे, डीएमडीपी लाइन को चेक करेंगे, उसके बाद ग्राउंड सर्किट को चेक करेंगे। ऐसा ग्राउंड सर्किट खराब हो जाता है तब भी आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग नहीं होती, कि माइनस की लाइन टूट जाती है, माइनस की लाइन टूट जाती है चार्जिंग जैक की, चार्जिंग जैक की माइनस की लाइन ब्रेक हो जाती है, हाँ मार सकते हैं उसको। तो इस तरीके से आप चार्जिंग में जो सारा सर्किट होता है उस चार्जिंग सर्किट को हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। आप इसको बना लीजिए, इसका मैंने डाटा प्लस डाटा माइनस में कोई वोल्टेज नहीं होता, ग्राउंड में कोई वोल्टेज नहीं होता, नहीं। अब आप इस चार्जिंग सर्किट को बना लीजिए, फिर मैं आपको दोबारा प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ, ठीक है।